पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं। तो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट को मदन कौशिक की जगह यहां नियुक्त किया गया है। तो तत्काल प्रभाव से लागू होगी नई नियुक्ति। आपको जानकारी दे दें कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हुआ करते थे, पर अब उनकी जगह महेंद्र भट्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएंगी। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल हुआ है पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को दी गई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बड़ा फेरबदल लेकर आई है, इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इसकी जरूरत थी? पूजा का उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, उनकी जगह की नई नियुक्ति हुई है महेंद्र भट्ट की, जो बीजेपी के काफी पुराने वर्कर हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और दो बार ये विधायक रहे, एक बार कोटद्वार से और उसके बाद बद्रीनाथ से, और 2022 में भी बद्रीनाथ से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव नहीं जीत सके थे। लेकिन जो उनका सांगठनिक अनुभव है, जितना उनका पार्टी में काम करने का अनुभव है, उसको देखते हुए पार्टी ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। और अब जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष थे यानी अभी यानी वर्तमान में कह सकती है मदन कौशिक, अब उनको मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है क्योंकि मदन कौशिक लगातार पांचवी बार विधायक है और लगातार वे मंत्री भी बने रहे हैं। इसके पहले भी जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी तो त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री कुमाऊ मंडल से आते हैं तो गढ़वाल मंडल को भी उसी के बराबर का कोई पद देना था क्योंकि यहाँ पे पूजा जो क्षेत्रीय समीकरण है तो कुमाऊ और गढ़वाल का चलता है। अगर मुख्यमंत्री कुमाऊ मंडल से है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल का होगा, और अगर मुख्यमंत्री गढ़वाल मंडल से है तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊ मंडल से होगा। तो पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तभी से चर्चा चल रही थी कि अब गढ़वाल मंडल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व दे सकता है, तो उसको देखते हुए महेंद्र भट्ट के नाम पे मुहर लगाई है। और महेंद्र भट्ट चर्चा में थे, रेस में थे प्रदेश अध्यक्ष के, लगातार ये खबरें आ रही थी बीजेपी से छन छन के कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा समीकरण जो राजनीतिक समीकरण यहाँ चलता है उत्तराखंड में, वह है ठाकुर और ब्राह्मण का। मुख्यमंत्री जहाँ क्षत्रिय या ठाकुर समुदाय से आते हैं, वही महेंद्र भट्ट ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो एक तरह से कह सकती है कि गढ़वाल और कुमाऊ और ठाकुर और ब्राह्मण दोनों ही समीकरणों को पार्टी ने महेंद्र भट्ट की नियुक्ति के साथ ही साथ लिया है। और महेंद्र भट्ट जिस तरह से पार्टी में बहुत ही एक तरह से कह सकती ग्राउंड जीरो से काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा क्योंकि अब सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की है, तो जो भी नियुक्तियां हो रही है या जिम्मेदारियां संगठन। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।